स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हमारा देश भारत दूसरे कितने देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि 6 देशों के साथ भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है, वहीं कुछ लोग 7 या 8 देशों का भी अनुमान लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया 6 या 7 नहीं बल्कि 11 कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो शायद आप में से कुछ लोग हैरान हो जाएंगे। दरअसल हमारा देश 15,106 किलोमीटर लंबी लैंड बॉर्डर वेरियस नेशंस के साथ शेयर करता है। साथ ही देश के पास 7,516 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन भी मौजूद है। देश की ज्यादातर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए जरूरी है कि हम इन लैंड और कोस्टल बॉर्डर्स के बारे में जानें और इन बाउंड्रीज को लेकर चल रहे एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स को समझें, क्योंकि यही डिस्प्यूट्स इंडिया के ह्यूज डिफेंस एक्सपेंडिचर और मौजूदा वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम उन 11 नेशंस के बारे में जानेंगे जो हमारे देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। साथ ही हम इन बॉर्डर्स की कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी और उनसे जुड़े डिस्प्यूट्स के बारे में भी जानेंगे, जो इंडिया को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्डर नेशन बनाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी आईक्यू यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30th of November मॉर्निंग 8 AM से हो रही है, तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। दोस्तों, सबसे पहले इंडिया की सबसे इंटरेस्टिंग और कॉन्ट्रोवर्शियल बॉर्डर की बात कर लेते हैं, जो हम पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3,323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये फिगर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एक्सेप्टेड ऑफिशियल फिगर्स हैं, जो इंडिया के मैप में दिखाए गए हैं। इसमें वो इलाके भी इंक्लूडेड हैं जिन पे इंडिया का क्लेम तो है लेकिन कंट्रोल नहीं है। ये बॉर्डर गुजरात से शुरू होते हुए राजस्थान, पंजाब, यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख तक जाता है। इस बॉर्डर को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवानों के मजबूत कंधों पर सौंपी गई है। जनरली ऐसा समझा जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर को LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन इस कॉमन परसेप्शन के विरुद्ध सच्चाई कुछ और है। दरअसल, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर में से क्या कहा जाएगा, इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉर्डर के कौन से एरिया की बात हो रही है। दरअसल, इंडिपेंडेंस के समय ब्रिटिश सरकार ने इंडिया का पार्टीशन करके पाकिस्तान क्रिएट किया और दोनों बाउंड्री कमिटीज के चेयरमैन साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर बॉर्डर का नाम रेडक्लिफ लाइन पड़ा। लेकिन इस समय तक जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट था, इसलिए यहाँ का बॉर्डर रेडक्लिफ मार्क नहीं कर पाए। इसलिए पंजाब और जम्मू के कुछ शुरुआती इलाकों तक के बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन और इंटरनेशनल बॉर्डर के नाम से जाना जाता है। 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, उस समय पाकिस्तान की ओर से बहुत से ट्राइबल वॉरलॉर्ड्स कश्मीर के बड़े हिस्से में इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। 1949 में जब यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर मीडिएट किया, तो उस समय की पोजीशंस के हिसाब से जो बॉर्डर बना उसे सीज फायर लाइन कहा गया। 1971 वॉर में पाकिस्तान की करारी हार के बाद शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसमें सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का नाम दे दिया गया। दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर कोई भी डिस्कशन बाउंड्री डिस्प्यूट्स डिस्कस किए बिना अधूरा है। आइए इन बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। पहला डिस्प्यूट है पाकिस्तान द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से हिस्सों पर किए गए इलीगल ऑक्यूपेशन पर। 1949 की सीज फायर लाइन के अनुसार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी POK, जैसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, और लद्दाख के साथ लगने वाले गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके को लेकर। गिलगित बाल्टिस्तान के साथ लगने वाला एक एरिया है जिसे सक्षगम वैली या ट्रांस काराकोरम ट्रैक के नाम से जाना जाता है। 5300 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये इलाका कभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन 1963 के सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान ने इस एरिया पर
चाइनीज सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली, या फिर दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान ने इलाका चाइना को गिफ्ट कर दिया। बदले में चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की सोवरेनिटी एक्सेप्ट करके एक्चुअल ग्राउंड पोजीशंस के मुताबिक एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया। आज भी इस एरिया पर इंडिया अपना लीगल क्लेम करता है। इसके अलावा एक बड़ा डिस्प्यूट सियाचिन को लेकर भी है, जो दुनिया का हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है। 2600 स्क्वायर किलोमीटर वाला ये एरिया लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान के बीच सिचुएटेड है। 1949 की यूएन मीडिएटेड सीजफायर लाइन पॉइंट NJ9842 तक ही डिमार्केट की गई थी, जो सियाचिन ग्लेशियर के फुट पर है। इसके आगे का इलाका इतना इनएक्सेसिबल था कि किसी ने सोचा ही नहीं था कि वहां कोई इंसान भी जा सकता है, इसलिए वहां बाउंड्री डिमार्केट नहीं की गई। डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू इंडिया ने सियाचिन ग्लेशियर सक्सेसफुली गेन कर लिया, और 1987 में ऑपरेशन राजीव के थ्रू सियाचिन ग्लेशियर और उसके ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स के साथ मेन पासेस और साल्टोरो रिज की पीक्स पर इंडिया ने अपनी पकड़ पक्की कर ली। साल्टोरो रिज के वेस्ट की ग्लेशियल वैलीज को पाकिस्तान कंट्रोल करता है। इस एरिया में बॉर्डर को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन यानी AGPL कहा जाता है। चलिए अब इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर की। दोस्तों, इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर का नाम सुनकर अगर आप सोच में पड़ गए हैं तो आप अकेले ऐसे इंसान नहीं है। दरअसल इंडिया अफगानिस्तान बॉर्डर के बारे में आम जनता के बीच इतनी कम जानकारी है कि ज्यादातर लोगों को इस बात का इल्म भी नहीं है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ भी कोई बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ तक कि एक बार पार्लियामेंट में भी एक नेता जी ने ये सवाल पूछ लिया था कि अफगानिस्तान के साथ भला हम कौन सा बॉर्डर साझा करते हैं। वैसे तो ये बात अपने आप में बड़ी हास्यात्मक है कि देश के आम लोगों से लेकर देश के नेताओं तक किसी को इस तरह की जानकारी कैसे नहीं है, लेकिन शायद इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ लगने वाला बाउंड्रिंग इलाका इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडियन क्लेम के अनुसार अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है। इस पतले से स्ट्रिप ऑफ लैंड की लेंथ महज 106 किलोमीटर की है, जो वखान कॉरिडोर के एच पे सिचुएटेड है। इस बॉर्डर की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि सेंट्रल एशिया, रशिया, वेस्ट एशिया और यूरोप के लिए ये एरिया एक गेटवे की तरह काम करता है और इन कंट्रीज के मार्केट्स को एक्सेस करने के लिए क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। बिना इस जमीन के इंडिया सेंट्रल एशिया के लैंड रूट्स को एक्सेस करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है। साथ ही स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को कंट्रोल करने के नजरिए से भी ये इलाका काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर आता है एशिया में इंडिया के सबसे बड़े राइवल कहे जाने वाले और हाल ही के कुछ सालों में इंडिया के साथ शुरू हुए हॉटेस्ट बॉर्डर डिस्प्यूट वाले नेशन चाइना का। दोस्तों, इंडिया और चाइना एक लंबी लैंड बॉर्डर को शेयर करते हैं। इस बॉर्डर की लेंथ 3488 किलोमीटर है, यानी लेंथ के मामले में ये बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से भी लंबा है। इस बॉर्डर की रखवाली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के सुरमा करते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स एक स्पेशल फोर्स है जो इंडिया ने 1962 के सिनो इंडियन वॉर के बाद तिब्बतन रेफ्यूजीज से बनाई थी। ये बॉर्डर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू पास करता है। इंडिया और चाइना बॉर्डर ब्रिटिशर्स के जमाने से ही कभी भी म्यूचुअली डिसाइड नहीं हुए थे। तिब्बत पर कब्जा करने के बाद चाइना इंडिया के दरवाजे पर आके खड़ा हो गया और इस वजह से दोनों नेशंस के बीच बहुत से बॉर्डर डिस्प्यूट्स स्टार्ट हुए। 1947 से पहले जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था तो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के अनुसार तीन बाउंड्री लाइंस कंसीडर की गई। इंडिपेंडेंस के समय एक टाइम था जब चाइना ने इंडिया को बॉर्डर डिमार्केशन के लिए इनवाइट किया था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसे सीरियसली नहीं लिया और एक अनसर्टेन अनडिफाइंड बॉर्डर को कंटिन्यूड रखना बेहतर समझा। खैर, ये गलतफहमी 1962 में चूर चूर हो गई कि अनसर्टेन बॉर्डर्स को सस्टेनेबली जारी रखा जा सकता है, जब चाइना ने अक्साई चिन्ह के इलाके पर फॉर्मली कब्जा कर लिया। चलिए इन तीन बाउंड्री लाइन्स के बारे में जानते हैं। पहली है अर्दाक जॉनसन लाइन, जो उस वक्त के कश्मीर की नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है, जिसे सर्वेयर विलियम जॉनसन ने बनाया है और जॉन चार्ल्स अर्दाक ने इसे ऑफिशियल बाउंड्री की तरह रिकमेंड किया। ये लाइन चाइना के शिनजियांग और तिब्बत ऑटोनोमस रीजन को टच करती है। इसे बनाने के पीछे फॉरवर्ड स्कूल की सोच थी, जिसके अनुसार बाउंड्री को जितना फॉरवर्ड हो सके रखा जाना चाहिए, जिससे उस समय फास्ट ग्रोइंग रशियन एम्पायर के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस बनाया जा सके। दूसरी है मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, जो अक्साई चिन्ह के डिस्प्यूटेड एरिया के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को 1899 में प्रपोज की थी अपने इन्वॉय सर क्लॉड मैकडोनल्ड के जरिए। चाइनीज गवर्नमेंट ने कभी इस प्रपोजल पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जॉनसन अर्दाक लाइन को ही ऑफिशियल बॉर्डर मान लिया।
तीसरी है मैकमोहन लाइन, जिसे तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच 24 से 25 मार्च 1914 में शिमला कन्वेंशन के तहत एग्री किया गया था। इस लाइन के तहत ईस्टर्न हिमालयन रीजन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नदन म्यांमार के बीच सीमा तय की गई थी। रिपब्लिक ऑफ चाइना मैकमोहन लाइन के एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुआ था, जिस वजह से चाइना ने इस मैप से साफ इनकार कर दिया है। इस बॉर्डर का इंडियन पार्ट आज इंडिया और चाइना के बीच की डी फैक्टो बाउंड्री है, जबकि इसमें बर्मीज पार्ट को चाइना और म्यांमार ने रीनेगोशिएट कर लिया था। भारत के सबसे बड़े दुश्मन देशों की बात करने के बाद आइए अब बात करते हैं कुछ फ्रेंडली नेशंस की। इसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। दोस्तों इंडिया नेपाल बाउंड्री की बात करें तो इस बॉर्डर की फुल लेंथ 1751 किलोमीटर है। ये एक ओपन बॉर्डर है, यानी बॉर्डर के दोनों तरफ आने जाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स नहीं है, इसीलिए इसे पोरस बॉर्डर भी कहा जाता है। इस बॉर्डर पर सहस्त्र सीमा बल के शेरदिल सिपाही तैनात हैं। ये बॉर्डर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जैसे इंडियन स्टेट से लगती है। इंडिया और नेपाल के बीच करंट बॉर्डर 1816 की सुगौली ट्रीटी के थ्रू डिमार्केट हुई थी, जो नेपाल और ब्रिटिश राज के बीच वॉर के बाद साइन की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इस बॉर्डर को किंगडम ऑफ नेपाल और डोमिनियन ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह रिकॉग्नाइज कर लिया। हालांकि इंडिया और नेपाल लंबे समय से फ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली दो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स दोनों देशों के बीच फ्लेयर अप हो गए हैं। इनमें से पहला है कालापानी टेरिटरी को लेकर, जो करीब 35 स्क्वायर किलोमीटर का छोटा सा एरिया है नॉर्थ वेस्ट नेपाल में, इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन के पास। दूसरा डिस्प्यूट है सुस्ता को लेकर, जो सदर्न नेपाल में छोटा सा इलाका है। ये बॉर्डर्स ट्रांस बाउंड्री रिवर्स मार्क करती हैं, और इन डिस्प्यूट्स का कारण मेनली इन रिवर्स के सोर्सेस का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। रिसेंटली नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके कुछ टेरिटरीज जो इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर पर हैं उन्हें अपने मैप में इंक्लूड कर लिया है, जिसने मैटर को ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इंडिया के ऑल टाइम फ्रेंड कहे जाने वाले भूटान देश से लगने वाले बॉर्डर की। इंडिया भूटान बॉर्डर की टोटल लेंथ महज 699 किलोमीटर की है, और ये भी इंडिया नेपाल की तरह एक ओपन बॉर्डर है। यहाँ भी सशस्त्र सीमा बल के जवान तैनात हैं। ये बॉर्डर असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम के थ्रू पास करता है। ब्रिटिश सरकार के समय वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सिंचुला और ट्रीटी ऑफ पुनाखा के थ्रू ये बॉर्डर डिमार्केट किए गए थे। 2006 में इंडिपेंडेंट इंडिया और भूटान के बीच फाइनल बॉर्डर डिमार्केशन ट्रीटी साइन की गई। ये शायद इंडिया का एक अकेला बॉर्डर है जहां कोई मेजर डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलता है। आइए अब बात करते हैं हमारे ईस्टर्न नेबर म्यांमार की। इंडिया म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इस बॉर्डर की खास बात है एक यूनिक अरेंजमेंट, जिसका नाम फ्री मूवमेंट रेजीम है। FMR के अंडर बॉर्डर के दोनों तरफ के ट्राइब्स को बॉर्डर के 16 किलोमीटर तक फ्री ट्रैवल करना अलाउड है, यानी ट्रैवल विदाउट एनी वीजा रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा इस एरिया के ट्राइब्स के बीच क्रॉस बॉर्डर फैमिली टाइज को देखते हुए किया गया है। इस बॉर्डर की रखवाली असम राइफल्स और इंडियन आर्मी के कंधों पर है। ये बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के थ्रू पास होती है। इंडिया और म्यांमार को पहली बार 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ब्रिटिश राज ने डिवाइड किया। इसके पहले बर्मा ब्रिटिश इंडिया का ही हिस्सा था। दोनों देशों के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्मली डिमार्केट की गई मार्च 10, 1967 में बॉर्डर एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन ग्राउंड लेवल पर बाउंड्री क्रिस्टलाइज नहीं हो पाई, क्योंकि ये बाउंड्री भी बाकी बाउंड्रीज की तरह एक आर्टिफिशियल लाइन है, जिसके दोनों तरफ सोशियो कल्चरल लैंडस्केप एक जैसा है। एज अ रिजल्ट ये बाउंड्री लाइन घरों और गांवों के बीच से निकलती है, जिसकी वजह से बहुत से ट्राइब्स डिवाइड हो गए। बाउंड्री के आर्टिफिशियल नेचर की वजह से ग्राउंड लेवल पर ट्राइब्स इसे मानने से मना कर चुके हैं, और ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एक मेजर कारण है। इस बॉर्डर को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। इस बॉर्डर डिस्प्यूट में डिसएग्रीमेंट मेनली 9 बॉर्डर पिलर्स की प्लेसमेंट को लेकर है, लेकिन छोटे मोटे विवादों के अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम इस बॉर्डर के इंटरप्रिटेशन को लेकर नहीं है। दोस्तों आखिरी बॉर्डर इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर भी है, जो इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। इस बॉर्डर की लेंथ 4096.7 किलोमीटर है, और इसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गार्ड करती है। ये बॉर्डर
असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल के थ्रू पास होता है। इस बॉर्डर को रेडक्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो आजादी के पहले साइरिल रेडक्लिफ ने डिमार्केट की थी। इस बॉर्डर के डिस्प्यूट्स बहुत यूनिक हैं, जो इंडिया में शायद ही कहीं देखने को मिलते हैं। ये नतीजा है ब्रिटिश सरकार के केयरलेस और कैलोस एटीट्यूड का। कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में 102 इंडियन इनक्लेव्स थे। दोस्तों, इनक्लेव एक देश के किसी एरिया को कहा जाता है जो मेनलैंड से दूर किसी दूसरे देश से चारों ओर से घिरा हुआ हो। 2010 के एक जॉइंट सेंसस में पता चला कि 51,549 लोग इन इनक्लेव्स में रहते हैं, 37,334 बांग्लादेशी सिटीजन्स इंडियन एनक्लेव्स में और 14,215 इंडियन सिटीजन्स बांग्लादेशी एनक्लेव्स में। 1974 में दोनों देशों ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत एनक्लेव्स को एक्सचेंज करके इंटरनेशनल बॉर्डर सिंप्लीफाई किया जाना था। इसका एक रिवाइज वर्जन 7th ऑफ मई 2015 को अडॉप्ट हुआ, जिसे इंडिया के पार्लियामेंट ने 100th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किया। इंडिया को 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स मिले, जबकि बांग्लादेश को 111 इंडियन एनक्लेव्स मिले। एनक्लेव्स के रेसिडेंट्स को अपनी पसंद के देश में जाने की आज़ादी भी दी गई। इसी के साथ इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर डिस्प्यूट समाप्त हो गया। तो दोस्तों, ये तो बात हुई लैंड बाउंड्रीज की, आइए अब बात करते हैं मैरीटाइम बाउंड्रीज की। दोस्तों, जब भी हम बाउंड्रीज की बात करते हैं तो उसमें मैरीटाइम बाउंड्रीज अक्सर हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। मैरीटाइम बाउंड्रीज यानी दो देश के बीच की बाउंड्रीज जो वाटर बॉडीज में डिवाइडेड हैं। इन बाउंड्रीज का एम है वाटर बॉडीज में मिनरल्स और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर नेशंस के एक्सक्लूसिव राइट्स को डिमार्केट करना। इन बाउंड्रीज के आगे के वाटर्स इंटरनेशनल वाटर्स कहलाते हैं, जहाँ के रिसोर्सेज के ऊपर किसी भी एक देश का एक्सक्लूसिव राइट नहीं होता है। इन बॉर्डर्स को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी UNCLOs के रूल्स के तहत डिमार्केट किया जाता है। इंडिया 7 नेशंस के साथ 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा मैरीटाइम बॉर्डर साझा करता है। आइए जानते हैं इन सभी बॉर्डर्स के बारे में। दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूटेड रही है। 1994 से शुरू हुए बायलेटरल नेगोशिएशंस के 8 राउंड्स 2009 तक इनकॉन्क्लूसिव रहे। इसके बाद दोनों पक्षों ने UNCLOs के तहत आर्बिट्रेशन अप्रोच किया। 7th ऑफ जुलाई 2014 को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने डिसीजन बांग्लादेश के फेवर में दिया, जिसे दोनों साइड्स ने एक्सेप्ट किया और डिस्प्यूट फाइनली खत्म हुआ। इसके तहत साउथ तलपत्ती यानी न्यू मुरे आइलैंड बांग्लादेश को मिला, जो 1970 में एक साइक्लोन के बाद ही इमर्ज हुआ था। मार्च 2010 में यह आइलैंड फिर से समुद्र में समा गया। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच भी मैरीटाइम बाउंड्री को लेकर एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट है। इसमें कच्चा थीवु आइलैंड का क्लेम भी इंक्लूडेड है। यह आइलैंड का एरिया 285 एकड़ है और फिशिंग एक्टिविटीज के नजरिए से यह स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है। 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती सीमावो बंदारा नायके ने डिस्प्यूट को सेटल किया और इस आइलैंड को श्रीलंका को सीड कर दिया गया। लेकिन इस एग्रीमेंट में इस एरिया की फिशिंग राइट्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया, जो एक नए डिस्प्यूट का कारण बन गया। 1976 में फिशिंग राइट्स को लेकर एक और एग्रीमेंट साइन किया गया, लेकिन मामले को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए 1991 में तमिलनाडु असेंबली ने कच्चा थीवु आइलैंड को वापस लेने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया। लेकिन 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मद्रास हाईकोर्ट को इन्फॉर्म किया कि कच्चा थीवु आइलैंड की सोवरेनिटी श्रीलंका के फेवर में सेटल की जा चुकी है, इसीलिए इंडियन फिशरमैन को इस इलाके में फिशिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन फिशरमैन को श्रीलंकन टेरिटरी में देखते ही गोली मारने के आदेश भी दिए हैं। कॉम्प्लिकेटेड मैरीटाइम बाउंड्रीज की वजह से फिशिंग राइट्स दोनों देशों के बीच डिस्प्यूट का मेजर कारण बने रहे हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं उसकी जिसका इंतजार आप सब कर रहे होंगे, यानी इंडिया पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री की। यहाँ डिस्प्यूट सर क्रीक नाम की एक वाटर बॉडी को लेकर है। सर क्रीक का ओरिजिनल नाम बनगंगा था। ये इंडस रिवर डेल्टा के अनइनहैबिटेड एरिया में 96 किलोमीटर लंबी टाइडल एस्टुअरी है। ये क्रीक अरेबियन सी में बहती है और गुजरात को पाकिस्तान के सिंध से अलग करती है। डिस्प्यूट का कारण है एम्बिगियस डिमार्केशन। वेस्टर्न टर्मिनस नाम के एक पॉइंट तक ये बाउंड्री डिफाइंड है, जिसके आगे ये अनक्लियर है। 1968 के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल अवार्ड के अनुसार इंडिया को मांगे हुए हिस्से का 90% एरिया दिया गया और पाकिस्तान को सिर्फ 10% ही मिला। लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं थी। इस इलाके की क्रीक्स हर सीजन में शिफ्ट करती रहती हैं। इलाका मार्शी होने की वजह से यहाँ सांप, बिच्छू, मगरमच्छ जैसे जानलेवा जानवर हैं, जो पेट्रोलिंग मुश्किल बना देते हैं। 2008 के 26/11 मुंबई अटैक्स में आए टेररिस्ट भी सर क्रीक इलाके के थ्रू ही इंडिया में घुसे थे।
दोस्तों आखिरी चार बॉर्डर जिनके साथ इंडिया मैरिटाइम बॉर्डर साझा करता है वो म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव्स हैं। म्यांमार और इंडिया के बीच जो मैरिटाइम बाउंड्री है वो अंडमान एंड निकोबार के नॉर्थ मोस्ट आइलैंड लैंडफॉल और म्यांमार के कोको आइलैंड के बीच 43 किलोमीटर की दूरी से गुजरती है। अगर बात करें इंडिया इंडोनेशिया मैरिटाइम बाउंड्री की तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया सुमात्रा के नदन मोस्ट आइलैंड रोंडो से 163 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। थाईलैंड के साथ भी इंडिया मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करता है। अंडमान सी में लोकेटेड थाईलैंड के सिमिलन आइलैंड इंडिया और सदर्न थाईलैंड के बीच मैरिटाइम बाउंड्री फॉर्म करती है। दोस्तों लास्ट कंट्री है मालदीव्स। लक्षद्वीप और मालदीव के बीच मैरिटाइम बाउंड्री लोकेटेड है जिसे 8 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये चैनल 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर लोकेटेड है। लोकल लैंग्वेज में इसे मालिकू कांडू भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे वो सभी नेशंस जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार वो 7 देश हैं जिनके साथ इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव्स वो 7 नेशंस हैं जिनके साथ इंडिया मैरिटाइम बाउंड्री साझा करता है। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हो सकता है इस वीडियो में हमने बहुत सारे डिस्प्यूट्स को इन डेप्थ कवर ना किया हो क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद इंटरनेशनल बॉर्डर्स को रिप्रेजेंट करना था मैप्स के थ्रू। अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को इन डेप्थ कवर किया जाना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा है तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रीजंस बिहाइंड द लैंड एंड मैरिटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल्सो डिस्कस द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू दीज डिस्प्यूट्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।